अच्छा, जैसे हमने बात की ना कि खाना ज़्यादा बेहतर है लगाने से, तो उसी पे अमल करते हुए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपके बाल गिर रहे हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे जिनके पास पैसे हो चाहे जिनके पास पैसे ना हो, तो जिस अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, हाँ बिल्कुल, आपने लेना है जेलेटिन, जेलेटिन पाउडर लेना है, प्लांट सोर्स ले लें या एनिमल सोर्स ले लें, जेलेटिन पाउडर हलाल ले लें। अब जेलेटिन पाउडर होता क्या है, वो आपके जानवर के टिश्यू से या उसके गोश्त से या उसके उससे निकलता है, जैसे जो आपके वो फैट्स हड्डी से इस तरह कार्टिलेज वगैरह से निकलता है, ठीक है। अब हलाल जानवर का आप लेके जेलेटिन, और पाकिस्तानी ब्लेस्ड है कि हमारे यहाँ जेलेटिन पाउडर आराम से मिल जाता है, जो बहुत अच्छी तरीके से आपके आंतों में जज्ब हो जाता है, आपके स्किन को आपके बालों को रीग्रोथ करने में आपकी मदद करता है, ठीक है। अब मैंने अच्छा, पहला जो हम बता रहे हैं वो एलोपेशिया का बता रहे हैं, ये फॉर ऑल, फॉर ऑल, फॉर एवरीवन, फॉर एवरीवन। जैसे आपने बहुत डाइट की, आपके बाल गिर रहे हैं, तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने मतलब कि आपके बाल ऐसे गुच्छों में आना शुरू हुए, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं होम रेमेडी खाने की, फिर मैं लगाने की अलग अलग बताती हूं। जेलेटिन पाउडर आपने लिया, यहाँ पर जैसे पानी मैं उबाल रही थी 2 कप, इसमें 1/4 teaspoon से कुछ थोड़ा सा ज़्यादा लेके जेलेटिन पाउडर इसमें डाल दूँगी, ये इसमें डिसॉल्व हो जाएगा। अब जेलेटिन पाउडर को जो काम आपकी बॉडी में करवाने में मदद करेगा ना, वो है काली मिर्च। आपने 2 काली मिर्च को कूट कर इसमें डाल देना। अच्छा, इसके साथ आप क्या इस्तेमाल करेंगे, जैसे ये पीने का बन गया, आप दोपहर खाने से पहले 1 कप ले लीजिए, रात खाने से पहले 1 कप ले लीजिए, इसके साथ आपने नींबू, जैसे लेमन वाटर, जैसे नींबू पानी, और साथ में 2 से 3 खजूरें लाजमी खाएं, तो ये एक वो दवा बन जाएगी जो आपके बालों को गिरने से रोकेगी इंटरनली कोई भी मसाइल। ये वो एक तरह से पानी है जो कि आपको कहवा, आप उसको समझ लीजिए, आपने खाने से पहले खाना है, पीना सर पीना दोपहर, रात खाना दोपहर और रात में। अच्छा जी, गुलजार हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। गुलजार साहब क्या पूछना चाहेंगे? मेरी बेटी है 2, 14, 15 साल की, इनके सर पे ना फंगस हुई थी। अच्छा। वो तो ठीक हो गई है, मगर ना उनके बाल बहुत गिरते हैं। अच्छा, ओके, तो वो कंघा करती बहुत ज्यादा, गुच्छे निकलते हैं, तो उसके लिए कोई इलाज हो तो। अच्छा गुलजार भाई, एक बात बताइए, आपने क्या डॉक्टर को दिखाया था? जी जी, लाहौर में हॉस्पिटल में उनका काफी लंबा इलाज करवाया, तो उसके लिए वो मेरा ख्याल है कोई कुनार शैम्पू था और शायद कोई एक लोशन था, वो दिया था उन्होंने। अच्छा, उससे वो ठीक होंगे। अच्छा, और गुलजार भाई क्या आपने उनका ब्लड टेस्ट वगैरह सारा कराया था? जी नहीं, वो सिर्फ उधर ही चेकअप हुआ बस। अच्छा, एज क्या है आपकी बेटी की? 14-15 साल की। 14-15 साल। अच्छा, अभी उसको वो खुश्की वगैरह है, डॉक्टर्स ने क्या कहा उसको, एक्जिमा कहा या उसको सोराइसिस कहा या कोई और उसको फंगस का कोई नाम दिया, सुबोरिक डर्मेटाइटिस का कुछ तो कहा होगा ना डॉक्टर ने, ये तो आपको नाज ले लें इस तरह। चलें जी, हमारी जो कॉल है वो ड्रॉप हो गई, हम बता देते हैं। अच्छा, हमारे साथ यहाँ पे हमारी बहन भी मौजूद हैं और इनका भी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हेयर लॉस हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आप मुझे बताएं आपका हेयर लॉस जो है वो कब से होना शुरू हुआ? 1 महीना। 1 महीना हो गया। 1 महीने में कैसे बाल गिरे? और आपके बाल इतने गिरे हैं कि बालों की अब कोई वो शेप भी नहीं है वो प्रॉपर, तो क्या आपके, मैं आपको देख रही हूँ कि आप वैसे भी थोड़ी सी कमज़ोर हैं, तो आप वीक हुई और उसके बाद आपने कोई डाइटिंग ऐसी की है, क्या हुआ सर? वीक हो गई इसकी वजह से मेरे बाल गिरे। अच्छा, तो आप ठीक है, मैं चाहूंगी। अच्छा, वीकनेस क्यों हुई? हाँ, चाहूंगी कि उसके, हाँ ठीक है, तो ये वीकनेस क्यों हुई आपको? जी, मेरे को भी 1 महीने बुखार रहा ना, इस वजह से भी। अच्छा, बुखार, हाँ, बुखार रहा। तो आपने चेक कराया बुखार कौन सा था, टाइफाइड का था? वायरल बुखार, वायरल था। और वो इतना वो लंबा रहा, इतना वो लंबा रहा, वजह से जो है ना मेरे बाल। मैं जरा चाहूंगी सर आप हम 6 दिन की घुमा भी लेते, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इनके बाल जो है सारे ही खत्म हो गए। बेटा खोल सकते हैं ना? मतलब 1 महीना इनका बुखार रहा, इसका मतलब है कोई इन्फेक्शन ऐसी थी जो कि प्रोलॉन्ग। अच्छा, आप हमसे, आपने नोट किया होगा, ये हम ना अभी तक लॉन्ग कोविड का भी शिकार है। कोविड तो खैर खत्म हो गया, अब अल्लाह ना करे दोबारा कभी सर उठाए, लेकिन उसकी वजह से भी ना बहुत सारी हमारे अंदर से चीजें हिल गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कोविड के बाद जिनको कोविड हो चुका होता उनको अगर बुखार होता तो जाने का नाम ही नहीं। अच्छा, आप मुझे एक न्यूज ब्रेक के लिए थोड़ी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मिलते हैं।
जी तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज हम बात कर रहे हैं हेयर लॉस के हवाले से, और हेयर लॉस के हवाले से घर में क्या सोल्यूशन आपके पास हो सकता है, क्लिनिक्स में और सैलॉन्स में भी जो तरीक़ेकार जो अवेलेबल है उस पर आज हम बात कर रहे हैं। और जैसे हमारी बहन यहाँ पर मौजूद है, बता रही थी कि एक महीने से इनको बुखार था और उसके बाद उनके बाल ऐसे गिरने लगे। एक दरमियान में हमारी कॉलर भी थी, उन्होंने भी कहा कि जैसे हमारी बहन बैठी उनके भी बाल ऐसे गिरे। सो ये कोई वाहिद नहीं है, हम अपने घर में अपने आस पास अक्सर से लोगों को देखते हैं कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ बीमारी होती है जो कि आपके बाल ले जाती है। तो आपका क्या किया जा सकता है इसका? अच्छा देखिए, पहले तो आप अच्छी मल्टी वाइटामिन लें, होम्योपैथिक में अल्फा अल्फा मदर टिंचर में ले लें, या अल्फा अल्फा के सिरप मिलते हैं वो ज़रूर किसी भी कंपनी का आप लेके इस्तेमाल करें। अगर उसको लूसन कहते हैं, लूसन के ताज़ा कोंपले जो है ना, उस पत्ते जो इसकी पत्तियां होती हैं वो उबालकर कहवा बनाकर पी सकते हैं। तो बुखार के बाद जो इन्फेक्शन रहने के बाद आपके बालों पे असर होता है तो उसको कम करने में ये आपकी मदद करेगा। लगाने के लिए जो पहले कॉलर थे उन्होंने भी बोला कि उनको फंगस था, तो उस वजह से तो तारपीन का तेल आपको फर्नीचर वालों के साथ भी मिल जाएगा, किसी अच्छे जो है डिपार्टमेंटल स्टोर जहाँ हर किस्म के ऑयल मिलते हैं वहाँ मिल जाता है तारपीन का तेल। किससे बनता है ये? प्लांट सोर्स ही है, लेकिन ये एडिबल नहीं, यानी कि आपने पीना नहीं, आपने सिर्फ लगाना है। अच्छा, इसके लिए ये नमूनिया के लिए बहुत अच्छा होता है, गाउट के लिए बहुत अच्छा होता है, एलोपेशिया के लिए बहुत अच्छा होता है, स्कारिंग एलोपेशिया के लिए बहुत अच्छा होता है। तारपीन का तेल आपने लिया एक चम्मच। आप इसमें कैरियर ऑयल आप कौन सा डालेंगे जो आपके बालों को सूट करता है? अगर आपको सरसों सूट करता है आप सरसों, अगर आपको कुछ लोग कोकोनट ऑयल लगाते हैं आप कोकोनट ऑयल, जो भी अवेलेबल हो जो आपको सूट करता हो आप उसमें एक चम्मच ये मिला लें। अच्छा, जो कैरियर ऑयल आप मिला रहे हैं तो उससे आपने क्या करना है, पहले जैसे मैं यहाँ पर है तकरीबन आधा कप में आपने 8 से 10 लौंग डालकर और एक चम्मच कलौंजी, इसको हल्का सा गर्म कर लें। ये लौंग और कलौंजी ये आप इसमें डालकर हल्का सा गर्म कर लें, उसके बाद जो ये वाला ऑयल बन जाएगा इसको छान कर रख लें, और जब भी आपको लगाना हो उस वक्त आप इसको तारपीन के तेल में मिक्स करेंगे। अब इसको लगाने का तरीका ये कि रुई की मदद से आप पार्टीशन करें, मैं बता देती हूँ ऐसे ही, जैसे पार्टीशन करके इस तरह करके ऐसे करके आप लगाओ। और जैसे होते ना कि लोग मसाज करते हैं बालों का सब कुछ, कुछ लोग क्या करते हैं कुश्ती लड़ते हैं और खूब ऐसा करते हैं कि जैसे बस आज ही कुआं खोद लेंगे, आज तमाम बाल बाहर निकाल लेंगे, जड़ें बिल्कुल उखाड़ देते हैं। तो ये जो कुआं ना खोदें बालों को बालों के साथ, लेकिन एक बता देती हूँ जिससे आपकी सर्कुलेशन तेज हो जाती है, आपने थोड़े से जैसे बालों को पकड़ा हल्का सा इसको ऐसे देखें हल्का, अब दर्द तो नहीं हो रहा बेटा, हो भी रहा तो बताइएगा नहीं हल्का सा देखिए, ये तरीका है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को तेज करने का, जहाँ से आपके बाल जा रहे हैं ना आप यकीन करें ये आप कीजिए, बहुत फर्क पड़ता है। ये देखें, फिर इसके बाद आपने ऑयलिंग की, इसके बाद आपने क्या किया, हॉट टॉवल, ताकि और आपको जो है ना आपके पोर्स ओपन हो और आपने जो चीज़ें यूज़ की वो आराम से रूट्स तक पहुँच जाए। हॉट टॉवल करने के बाद आपने छोड़ना नहीं, हॉट टॉवल किया आपको लगा जैसे सर्कुलेशन तेज़ हो गई, उसके बाद ठंडे पानी में टॉवल को डालकर दोबारा रख लीजिए। तो ये ज़रूर कीजिएगा, इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। सही। तो ये तो एलोपेशिया के लिए भी था, जिनके बाल बहुत गिर रहे उनके लिए भी था। अच्छा, अब कुछ लोग होते हैं जो जैसे आप भी तो अपने क्लिनिक में वो कर रही होती ना बालों का हेयर लॉस का, आप भी तो जी नेचुरलाइज में ट्रीटमेंट्स हम खाने की और लगाने की सारी चीज़ें दे रहे होते हैं। अच्छा, अब आ गए हैं कि आपने आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज है। अब पॉलीसिस्टिक ओवरीज में इंसुलिन भी होता है कि इंसुलिन रेज्ड हो जाता है अक्सर, इसलिए इंसुलिन को मैनेज करने के लिए डॉक्टर्स मेडिसिन देते हैं। लेकिन नेचुरोपैथी में इंसुलिन को जो बैलेंस करता है वो मेथी दाना है। जैसे अभी हमारे दरमियान में एक कॉलर आई थी, उनका ये भी कहना था कि उनको उनके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, उनका भी शुगर भी हो गई है, तो क्या शुगर की वजह से जो है वो मेरे बाल गिर रहे हैं? हाँ, हो सकता है एक रीज़न शुगर की वजह से भी बाल गिरते हैं, ब्लड प्रेशर ज़्यादा जिन लोगों का रहता है उनकी वजह से भी गिरते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है उसकी वजह से भी गिरते हैं, खून की कमी हो जाए तो भी बाल गिरते हैं। तो और कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो, कॉन्स्टिपेशन हो, तो इसीलिए कहते हैं आप वही नज़र आएंगे जो आप खाएंगे। तो इसलिए अपने ग़िज़ा का ख्याल करें। अच्छा, अब मेथी का जो कमाल है ना वो बालों के लिए बेहतरीन है। अगर पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं, PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवरीज सिंड्रोम्स हैं या PCOS है, तो आप और डिजीज़ है दोनों में,
आपने मेथी दाना क्या करना है, ये देखिए, ये है तकरीबन अगर मैं इसको दो चम्मच ले लेती हूँ, यहाँ कैरियर ऑयल अगेन आपका है, जो भी आप ऑयल लेना चाहें। आपने इसमें मेथी दाना डाला, वैसे सबसे अच्छा होता है सरसों का तेल ना। दो चम्मच बड़े चम्मच, साइड इफेक्ट नहीं होते। कुछ लोग जैसे कहते हैं कि जैतून का तेल लोगों को सूटी करता, सरों पे दाने बन जाते हैं, उसकी तासीर गर्म होती है ना। अच्छा, पाकिस्तान के लिए हम बात करें ना, तो कैरियर ऑयल सरसों या कोकोनट, हाँ, दोनों बहुत बेस्ट है, बेहतरीन है। और अच्छा, मिसेस ज़ैम हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र, ठीक। से बात करनी है? जरूर जरूर कीजिए जी। प्लीज आपने ना टीवी की आवाज भी बंद कर दीजिएगा। मेरे घर में बोरिंग का पानी होता है जो तकरीबन थोड़ा खारा होता है, उससे मेरे बाल बहुत खराब हो रहे हैं, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए कि मेरे बाल गिरना बंद हो जाएं? जी, पूरे कराची का ये मसला है। मैं बता देती हूं। अच्छा, आपका तो बोरिंग का पानी, लेकिन यूजुअली जो टैंकर से हमारे घर में पानी आता है वो भी वैसे ही होता है। और वो मिक्स पानी लेकर आते हो, कहते नहीं बाजी मीठा है। मीठा, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही होता है। अच्छा, आपने क्या करना है, स्टेनलेस स्टील की पतीली लेनी है और उसमें पानी को उबालना है, ठीक है? पानी को उबालना है, जब बबल्स आने लगे तो आपने आधे घंटे तक उबालना है। उबालने के बाद फिर आप देखेंगे कि वो खारा जो बोरिंग का पानी, जब उसको ठंडा करने लगेंगी, ऊपर एक सफ़ेद ऐसा लगेगा जैसे लेयर आ गई है, और नीचे ढल्ले बन के नीचे आ गए, कैल्शियम हार्ड वाटर जो भी होता है वो सारा दो तरह से हो जाएगा, एक ऊपर लेयर आ जाएगी, एक नीचे आ जाएगी। आपने लेना है फिटकरी। फिटकरी लेकर आपने, जैसे मिसाल के तौर पर आप समझें, फिटकरी जो आपका पतीला आपने पानी बनाया वो है, आपने हाथ से ऐसे करके एक दो और तीन फिटकरी आपने घुमा ली। उसके बाद मुट्ठी भर गंदुम लेना है, गंदुम, और आप उसमें डाल दें। जितना और जो उसमें चीज़ें टॉक्सिक होगी ना, गंदुम उसको जो है ना अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। अब जब आपने फिटकरी घुमाई, ठंडा कीजिएगा, तो और सारी चीज़ें नीचे बैठ जाएंगी। मेहनत तलब काम है, करना पड़ेगा तो बाल गिरने से रुकेंगे।